यूपी के जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें भले ही एक भी सीट कांग्रेस के खाते में ना रही हो, लेकिन वो जिन 3 सीटों के सपा के साथ बंटवारा अपने पक्ष में चाहती है उसमें से प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट के लिए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने आए, जिसमें उन्होंने प्रत्याशी के दावेदारी करने वालों की राय शुमारी भी शुरू कर दी है। ये जानते हुए भी कि कांग्रेस यहाँ मुकाबले में कहीं टिकने वाली नहीं, आखिर क्यों सहयोगी दल पर दबाव बनाना चाहती है कांग्रेस? उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं उसमें प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट भी है, जिसे लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। इंडिया अलायंस और NDA गठबंधन दोनों की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बढ़त बनाते हुए अभी तक अपने पदाधिकारियों व बूथ कार्यकर्ताओं की 3 मीटिंग बुलाई है, जिसमें बाकायदा चुनाव लड़ने के लिए उनकी तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। प्रयागराज के फूलपुर विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस अपना पसीना बहा रही है। एक महीने में पार्टी की चुनाव को लेकर बड़े नेताओं के साथ 4th बैठक है। बैठक में कांग्रेस ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। अभी फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरे 10 विधानसभा क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी यहाँ पे करती है। और उसी के संबंध में आज यहाँ पे फूलपुर विधानसभा के भी हमारे ब्लॉक मंडल नया पंचायत और बूथ के साथियों के साथ वरिष्ठ नेताओं की बैठक आयोजित की गई है, ताकि आप पूरी दमदारी के साथ आने वाला विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकें। राहुल गांधी के प्रयागराज आने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। फूलपुर से अपने प्रत्याशी की जमानत तक न बचा पाने वाली कांग्रेस अब यहां खुद चुनाव लड़ने और अपने बूते पर सीट निकालने की रणनीति बना रही है। फूलपुर की इस बैठक में प्रत्याशी के चयन को लेकर बाकायदा राय शुमारी की गई है। जी हां, एक तो मैं अभी व्यक्तिगत रूप से सभी दावेदारों से और उनके साथ जो आए हैं उनसे भी भेंट मुलाकात करूंगा, उसके साथ ही हर मंडल पे हमारे वरिष्ठ लोगों की जिम्मेदारी दी जा रही है, वो वहां पे जाएंगे। पिछले स्तर पे आम पब्लिक से भी जो है प्रत्याशी के संबंध में चर्चा करके और नाम को सुझाव देंगे, उसी के अनुरूप जो है पार्टी स्तर पर निर्णय करेंगे। संगठन में विस्तार और फेरबदल की भी सर आपने चर्चा की है? अभी राष्ट्रीय स्तर पे जो है फेरबदल हुआ है, उसके साथ साथ अभी जिले और प्रदेश का भी जो है बॉडी का पुनर्गठन करना है, तो उसके संबंध में भी सब लोगों से जो है वो चर्चा करके जो है उसका भी पुनर्गठन करने का काम किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं की दलील है कि ये पूरा क्षेत्र नेहरू की परंपरागत लोकसभा सीट वाला है। पहले प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले संगठन मंत्री अनिल यादव और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी की अगुवाई में कांग्रेस की दूसरी बैठक ये बता रही है कि इस सीट पर वो सपा का सहयोग करने की जगह उसके सामने अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। इससे गठबंधन पे दबाव की सियासत कहें या अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने की एक कोशिश, लेकिन कांग्रेस की जिद से NDA गठबंधन के खेमे में जरूर कुछ राहत दिख रही है। इंडिया गठबंधन में भले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अभी अलायंस ना हुआ हो, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में भी तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसका फायदा NDA को मिल सकता है। दिनेश सिंह, TV9 UP, फूलपुर, प्रयागराज।